Hello, everybody. How are you? Hello, salam, namaste, sansrikal, jahan bhi hain aap. Kya haal hai aap sab logon ka? Mera naam hai Mahleej aur aap mujhko dekh rahe hain abhi mere Facebook page pe ya baad mein YouTube pe dekh rahe honge. Jahan bhi dekh rahe hain us page ko please like kijiye, share kijiye, you know subscribe ka button hai us pe subscribe kijiye. Hi Zaheer, hi Mahmood, hi, hello everybody. तो मैं तैयार तो थी नहीं, तो मैंने कहा ओके जस्ट लाइव आ जाया जाए. राइट, व्हाट आर वी गोना डू? टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं लाइव आ जाऊँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं है आज लाइव आने का. मगर इतनी अच्छा फील होता है कि सुबह उठ के मैं आती हूँ, अपनी कॉफ़ी मैंने उठाई, चेंज किया और अब मेरा पूरा स्टूडियो यहाँ तैयार हो गया. बस मुझे अपने कपड़े वगैरह यहाँ मूव करने, मेकअप मेरा ऑलरेडी यहाँ पे है एंड आई कैन जस्ट कम हियर, गेट रेडी, यू नो, एंड टर्न द कैमरा ऑन एंड टॉक टू यू. कितना मज़ा आएगा. गुड, वॉट अबाउट यू? मैं ठीक हूँ. आप लोग कैसे हो गाइज? ज़रा जल्दी जल्दी शेयर तो करें, आज बड़े मज़े का शो है. तो प्लीज़, मैं नहीं चाहती कि आप ये मिस करें या आपके फ्रेंड्स मिस करें, तो जल्दी से ये आज जो है 1000 तक जाएगी तो मज़ा आएगा. तो प्लीज़ ज़रा 1000 तक लेके जाइए. मेरे पीठ बैक में बड़ा दर्द हो रहा है. आई हैव टू एक्सरसाइज. मैं सोच रही हूँ एक स्ट्रेचिंग सेशन करना चाहिए फेसबुक पे, यू नो, जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करके दिखाऊँ आपको. आह, फिर आवाज़ें भी निकलेंगी. इज इट स्नोइंग डे फ्रॉम योर साइड? यस इट इज. इट वाज स्नोइंग एंड इट इज स्नोइंग एंड इट इज गोइंग टू स्नो. ओ थैंक यू अब्दुल वहीद जी. ये रह गया ना ब्लॉक करना. उस दिन मैं बैठी, अब मेरे पास टाइम इतना नहीं है, मगर फोकस करने का टाइम है कि मैं अपने फेसबुक को, यूट्यूब को, सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकूँ. तो उस दिन मैंने बैठ कर वर्ड फिल्टर आउट किए ना, स्पेलिंग्स आप लोगों की, तो सॉरी ये रह गया था. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी. मैं लिस्ट बनाती जा रही हूँ कौन कौन से वर्ड्स करूँ, मगर तुम लोग भी बड़े क्रिएटिव हो, स्पेलिंग चेंज कर कर क्या हो गया. मगर फिर स्पेलिंग चेंज कर देते ना तो उस वर्ड में इतनी ताकत नहीं रहती है, अफेक्ट नहीं रहता उसमें. वैसे तो अफेक्ट वैसे नहीं होता. यू हैव नथिंग एल्स टू डू, यू डोंट हैव एनी, नहीं आई डोंट हैव एनी गुड ड्रेस. फरहान मुगल जी, प्लीज़ मेरे को ना HSY का ना एक अच्छा सा लहंगा प्लीज़ भेजिएगा. बस ऐसी कोई 6-7 हज़ार का आता है आपके लिए, क्या बड़ी बात है, ज़रा भेजिए. मेरे पास कपड़े नहीं है ना, मैं तो कहती हूँ मैं गरीब लड़की, फटे पुराने कपड़े देखो मेरे पास बिल्कुल कपड़े नहीं है. मैं क्या करूँ, मेरा कसूर थोड़ी है. आप लोग यहाँ पे बैठ के मेरे को फ्री में देखते हो, जाओ ज़रा OnlyFans पे ज्वाइन करो, वहाँ तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं है मेरे पास. I swear to God, मुझसे तो गरीब कोई लड़की नहीं दुनिया में. प्लीज़ आप एक बेचारी लड़की की हेल्प नहीं करना चाहेंगे? आप इतने ख़राब हो, आपका दिल नहीं है क्या? आप मेरी हेल्प करो, मुझे पूरे कपड़े भेजो प्लीज. ऐसी कोई 5-6 हज़ार का जो है क्या नाम है, कौन सा डिजाइनर है इंडिया का, आप कपड़े चाहिए? मुझे तो अच्छे चाहिए ना, ऐसी एमवी के थोड़ी चाहिए मेरे को, कपड़े क्लास के चाहिए. सो पहले आप मुझको ये बोलने से ना प्लीज अपनी पॉकेट देख के बात किया करो. अच्छा, इससे पहले हम शो स्टार्ट करें ना, थोड़ा सा मैं अपने आप को प्रमोट कर दूंगा. खाना भी खाना है, बिल्स भी पे करने हैं, राइट? अब अगर कल इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई तो फिर मैं लाइव कैसे आऊंगी? मेरा फोन कट जाए, इंटरनेट कट जाए तो मैं लाइव कैसे आऊंगी? उसका कौन देगा किराया, कौन देगा, पैसे कहाँ से आएंगे? ऐसी थोड़ी आते हैं ऊपर से, यू नो. अब क्या करें, तो उसके लिए काम करना पड़ता है, तो अब वो काम कर रहे हैं, राइट? तो अगर आपने मुझको OnlyFans पे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्रमोशन ऑन है, सिर्फ एक दिन तक के लिए, कल तक ऑन है, 30% ऑफ 1 month. ओके, आपको मैं दिखाती हूँ थोड़ी सी झलक, मगर जब तक 1000 तक नहीं जाओगे ना मैं झलक नहीं दिखाऊंगी. इतनी अच्छी अच्छी तस्वीर है, मैं ऐसी दिखा दूँ. और जिन जिनको मुझे कपड़े भेजने हैं ना, क्योंकि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो यहाँ पर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हो. आप मेरे PayPal पे भेज सकते हो पैसे, मुझे कपड़ों की बहुत ज़रूरत है जी. थैंक यू. नहीं, YF भाई, क्यों मेरे पेट पे लात मार रहे हो भैया? भेजने दो उनको, उनको भेज दो, मेरे को क्या, मुझे चाहिए HSY का ड्रेस, क्यों नहीं चाहिए मेरे को? जी भेजिए, मेरे पास नहीं है कपड़े. कॉफी. शैम्पी, हाउ आर यू? आई एम गुड शैम्पी. अच्छा जी, क्यों नहीं चल रही है? चलो लेट्स गो, भागो दौड़ो कुछ करो. आ गया, आप दिखा रही हूँ ये पीछे दीवार पे किसकी तस्वीरें लगाई हैं, मेरी तस्वीरें और किसकी तस्वीरें? मैं अपनी तस्वीर लगाती हूँ, आई लव माई सेल्फ
एंड लाइक माई अदर फैंस गाइज, हमारा पेज ऑलमोस्ट 150,000 पे जाने वाला है. ओ माई गॉड, आई एम फेमस. तुम लोगों ने भी पाकिस्तान में मुझको फेमस नहीं किया यार. तुम लोग भी ना, तुम लोग वही सी काबिल, तुम लोग हो ही क्या है, मुफ्ती कावी और हरीम शाह. खैर उस पर हम बात करते हैं, मगर पहले थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट हो जाए मेरे पेज की. ओके गाइस, सो ये मेरा पेज है. ओके, ओनली फैंस का, ये इसका एड्रेस देख लीजिए. ओके, ये एड्रेस है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 जल्दी. ओके, तो आपको कितनी पोस्ट्स, देखिए कितनी सारी पोस्ट्स मिलेंगी, सिर्फ और सिर्फ इन लाइक $10. ओ माय गॉड, यू नो, ये देख रहे हैं आप, ये हॉट हॉट तस्वीरें, यहाँ मेरे पास बिल्कुल कपड़े नहीं है. अच्छा, तो अभी 29 लेफ्ट, ओनली 29 लेफ्ट गाइज, ये प्रमोशन चल रही है, अभी अभी जाइए, ओनली फॉर 10:49 गाइज, दिस इज इट, आज बस यही है, आज का दिन है आपके पास, तो जल्दी जल्दी जाइए एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस प्रमोशन. ओके गाइज, उसके अलावा भी एक और चीज भी मैं दिखा दूँ आपको. राइट, व्हाई डू आई हियर समवन हियर, सबको बंद करके आई थी मैं कमरे में. सबको बंद करके आई थी और मैंने भी अपने आप को कमरे में बंद किया है, मगर नहीं. हु इज द फूल सेइंग दैट यू डोंट हैव क्लोथ्स, शी इज लुकिंग वेरी गुड. अकबर खान जी, क्यों आप मेरे पेट पे लात मार रहे हो जी, बोलो. No, I can't see from here. Okay, Zenia, please, thank you. I'm busy. It's snowing here. You know, मैं जब भी आती हूँ ना, मैं कहती हूँ तुम्हें मुझे इंटरप्ट नहीं करना है, मुझे इंटरप्ट नहीं करना है. स्कूल छोड़ के सिर्फ ये पता नहीं आई है बाहर स्नो पड़ रही है. कुत्ते को भी साथ में लेके, वो भी आया है पीछे पीछे, वो भी भौंकेगा यहाँ पर अभी जाने के लिए. लाइक You know, I cannot have, मैं बता रही हूँ ना, मैं फालतू में नहीं बैठती, आई एम वेरी बिजी पर्सन. आपको लगता है मैं सारा दिन बैठी रहती हूँ, राइट? नो, और मुझे खुजली भी बहुत होती है, आई कैंट सिट फॉर टू लॉन्ग. ज़ेनिया, व्हाई आर यू डाउनस्टेयर्स? एंड व्हाई आर यू डाउनस्टेयर्स? ओह नो, पेशाब नहीं करना यहाँ पर. यू गाइस सॉ ना, वो देखा था वीडियो जिसमें इसने पिशी कर दी थी यहाँ पर. क्या चाहिए तुमको? जाओ यहाँ से दोनों. चलो ज़ेनिया, गो अपस्टेयर्स प्लीज, यू टू गो. इंसानों वाली हरकतें मत किया करो मेरे सामने. चल कुत्ते की तरह, अच्छे कुत्ते की तरह चल. गुड बॉय, या यहां बैठ जाओ. मी कैन से हियर ना, नो डजंट केयर. एनीहाउ, सो ये देखिए, नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बता रही थी वो ये है कि मेरा यूट्यूब का जो पेज है ना, प्लीज उसको फॉलो कीजिए. राइट, वी आर एट 10,000, ऑलमोस्ट 11,000 सब्सक्राइबर्स गाइस. This is amazing. अगर आपने यहाँ ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज यहाँ पे ज्वाइन कीजिए और 11,000 तक लेके जाइए. ये क्या हो रहा है? आज मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर 11,000 हो जाए. तो माली सरकारी नाम आप टाइप कीजिए. Hi Alina, how are you? और you know, then go follow. Okay. तो guys 1,000 तक गए थे, देखो सब भाग गए. I know interruptions. Okay, क्योंकि 1,000 तक चले गए थे तो anyways, I will start the show. अब हम बात करते हैं. एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड, मैं वीडियो तो निकाल लू ना, वीडियो तो देखे ना हम, ये वाला वीडियो देख के वो कहते हैं ना, कलेजे विच ठंड पै गई. सबसे ज्यादा ठंड इस वीडियो से कंदील बलोच को पड़ी होगी, आई कैन गारंटी यू ऑफ दैट. ओके, मुफ्ती कावी, ओके, इनके बारे में आज हम बात करेंगे. ऑफकोर्स भैया, मौलानाओं की बात हो, महलीज ना बोले उस चीज पे. Illiterate woman is useless, is less useless. It is better to give time to your children. नहीं शाहजेब जी, आप पाल रहे हो ना इसको, आपने पाल के 6 साल का किया है ना, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो कुछ करती ही नहीं, मैं तो भैया बैठी रहती हूँ 24 घंटे, मेरा तो काम ही नहीं कुछ है ना, मेरे बस मर्द आते हैं और that's it, बस मैं बूब्स दिखाती हूँ और यूं चुटकी बजाती हूँ तो घर चल जाता है मेरा. हाय हाय, क्या अकल पाई है जब ही आप वहां बैठे और मैं यहां बैठी हूं. समझ में आई आपकी? सो मुझको यहाँ पेरेंटिंग जो है ना, लेसन मत दो, पहले अपने पेरेंट्स से पूछो उन्होंने आपको क्या सिखाया, क्योंकि आपके पेरेंट्स अगर आपको तवज्जो दी होती ना तो आप यहां बैठ के मेरे को भाषण नहीं दे रहे होते.
अच्छा जी, तो मुफ्ती जी को चमाट पड़ गया। मुफ्ती जी को चमाट पड़ी। और एक और वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जो आपने नहीं देखी होगी अभी तक। आई बेट यू ये वीडियो आपने नहीं देखी है, जिसमें मुफ्ती जी ने बहुत कुछ ऐसा बोला है, बहुत कुछ ऐसा बोला है जिसपे उनको चमाट पड़ना चाहिए था, टू बी ऑनेस्ट। सो मुफ्ती जी गेट स्लैप्ड। एक्चुअली यू नो व्हाट, सबसे बेस्ट ये है कि हम हरीम शाह के जो क्या कहते हैं उस पे जाते हैं, ट्विटर टिकटॉक पे, बेस्ट प्लेस टू गो गेट मुफ्ती जी की क्या कहते हैं यानी वीडियोस। एक मेरे को बात बताओ मुफ्ती जी, पहले को मेरे को एक बात बताओ, मेरे को सब लोग एक बात बताइए कि ये क्यों, ये मुफ्ती जी ही क्यों दिखते हैं सारी लड़कियों के साथ, मुझको एक बात बताइए। हाँ, दूसरी चीज कि ये मुफ्ती जी इतने ठरकी हैं, हमें पता है ये ठरकी, और जो लोग यहाँ बैठ के कहते हैं ना कि वो ठरकी नहीं है ना, तुम लोगों की अकल पे ताले पड़े हैं। आप अभी तक जो है ना वो लाला लैंड में हैं, तो बस एनीवेज ओके, ये आ गया आ गया। अगर आप नहीं जानते कि मुफ्ती कावी जी कौन हैं, ये वो हैं जिन्होंने कंदील बलोच के साथ ही आए थे, इनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी, इंटरव्यू हुआ था इनका, और कंदील बलोच के साथ इनकी कुछ तू तू मैं भी हुई थी, और कंदील बलोच ने इनको एक्सपोज करने की कोशिश की थी। और मैं इसमें ये भी बताऊंगी आपको कि डिफरेंस क्या है कि हरीम शाह जो कर रही है और जो कंदील बलोच ने करने की कोशिश की थी, कंदील भी यही कर रही थी, वो भी इस तरीके से फेम लेकर, और उन्होंने उसने भी इनको जो है एक्सपोज करने की कोशिश। मगर भैया कितना चूतिया बंदा है, आई मीन सॉरी टू से, एक दफा लाइक बंदा एक दफा में सीख जाता है ना, ना ना भैया नो, इस दफा तो ये आगे गए थोड़ा सा, और बस क्या करें। बस बंदे का जब दिमाग, जब नहीं 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 लेट मी रिफ्रेज दैट, जब बंदा अपने टांगों के बीच में से सोचना शुरू करता है ना, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, इन मर्द स्पेशली। उस वक्त सोच वोच कुछ नहीं होती, बस उस वक्त होता है वो खड़ा है, उसने ऑर्डर दिया है, तो आप कैसे अपने दिमाग से कह सकते हो कि नहीं भैया तू बैठ जा, ना ना उस वक्त ऐसा नहीं हो सकता। यार ये क्या है, व्हाट द हेक, व्हाट हैपेंड हियर, व्हाई कैन्ट आई फाइंड दैट वीडियो। हरीम शाह का क्या है, ऑफिशियल हरीम शाह ऑफिशियल, एक तो इतने सारे अकाउंट बने हुए हैं, डैम इट तुम लोग भी ना, हर कोई अकाउंट बनाता है, हर कोई ऑफिशियल के नाम से भी। आई कैंट फाइंड इट, दैट सक्स, आई कैंट फाइंड इट, हैंग ऑन मैं बताती हूँ, गूगल पे गूगल करते हैं उसको। माली से सरकारी, यू आर द ब्रेवेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज विद यू, थैंक यू संतोष जी, थैंक यू, वी डिडंट वांट टू लिसन टू दिस ऑल, तो मत सुनो, मत सुनो, अपने कानों में रुईया डाल लो, मैं क्या करूं, मगर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बात आती है मुनाफिकत की, बात आती है हिपोक्रेसी की, यू नो। सो मैंने कहा था ना, ये जो है बस शुरू हो गया ना उसका बार्क करना। ओके आई विल बी राइट बैक। My breath. Guys, आपको पता है मुझे ऊपर तक सीढ़ियां चढ़ के जानना है, फिर नीचे आना, ओ माई गॉड इज टू मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू नाइस। तुम क्यों इनके मुंह लगती हो, किसके मुंह लग रही, मैं तो किसी के मुंह नहीं लगी।
यार मुझे कभी क्यों नहीं मिलते ये वीडियोस, फोन पे है मेरे पास बट आई डोंट हैव इट हियर यू नो। आई थिंक दिस इज इट, आई थिंक या दिस इज इट। ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, आई फाउंड इट आई फाउंड इट आई फाउंड इट आई फाउंड इट। ओके सो रेडी है आप ये वीडियो देखने के लिए? उसने हटा दिया क्या? हाउ कम आई डोंट सी इट? यार लगता है इसने हटा दिया लड़की ने। यार क्या, अच्छा ये वाला वीडियो देखो ना, ये वो अच्छी चीज है। सही बात है, समझ नहीं आना मौलवी साहब को कितना समझाया है, एक बंदी की जान चली गई, एक बंदी मर गई। नहीं भैया इनको नहीं समझ में आई, ये देखो फिर कैटवॉक भी करनी है। ओए होए वाह, कावी जी खुद तो शर्म कर लो। कावी जी यार, कावी जी ना महरम औरत के साथ आप क्या क्या कर रहे हैं? फिर ये वाला भी देखो, ये वाला, ये वाला। अरे मैंने 2 साल का तखसस किया इसका अफ्रीका का, मैं मदीना यूनिवर्सिटी में भी हूँ और वहाँ का एक कोर्स किया है, मैंने मैं जामे अजर किया हूँ मुफ्ती साहब। वो कहते हैं कि जो वो था क्या कहते हैं अबलीस था, उसके पास दुनिया में सबसे मतलब पूरी दुनिया कायनात में सबसे ज्यादा नॉलेज था ना उसके पास, इबलीस के पास ना। जामे अजर नहीं, मैं कह रही हूँ कि इबलीस जो था उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था, आपको थे फिर भी बिगड़ गया था, राय रात से मतलब भटक गया था और अल्लाह का अजाब आया था उस पर। इब्लीस ना बनो, शैतान मत बनो, मुनाफिक मत बनो, इस्लाम का मजाक मत उड़ाओ। मुनाफिक मत बनो, मुनाफिक मत बनो, मुनाफिक मत बनो। तुम लोग सब जो आके मुझे गालियां देते हो, मुनाफिक मत बनो, मत देखो चले जाओ, यू नो मुनाफिक मत बनो। ओके और ये कोई दिख रहा था कि इलिजिबिट बड़ा 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 बड़ा, भैया मेरे कमेंट्स मेरे को मत मारा करो। ओके वो स्लैप वाला वीडियो पता नहीं कहाँ गया यार, इसे हटा दिया वो वीडियो इसने, यार क्यों हटाया? व्हाई डिड शी डू दैट, व्हाई व्हाई व्हाई। मगर अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा वो थप्पड़ वाला जो वीडियो है, यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको दिख जाएंगे। यू नो आई सी अ लॉट बट मैं किसी और का कंटेंट नहीं चलाना चाह रही हूँ, यू नो स्पेशली कोई न्यूज चैनल का। यार मेरे को आप साथ कर, क्या करना है तुम्हें, क्या करना है तुमने मेरे साथ? पढ़ाई करनी है, अभी का पीछा नहीं छोड़ा कराची के, पढ़ाई करनी है मेरे साथ। ओके भाग गई कराची के हेडक्वार्टर से, बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन शहजाद। एक और वीडियो वायरल हुई है अभी तो उसमें जो है। ओके एनीवेज फॉरगेट इट, हम अपनी बात करते हैं। ऑलराइट चलो, तो मैं क्या समझती हूँ इस बारे में। ओके अच्छा हम तो इस बात पे तो हम अग्री अब नहीं करते हो अगर आप, कि ये जो मौलाना मुफ्ती जो जितना रिलीजियस बनता है वो उतना ही ज्यादा ठरकी और हरामी होता है पीछे से। हर कोई नहीं होता है मगर ज्यादातर यही होते हैं, मुनाफिकत होती है स्पेशली जो आपको पढ़ा रहे होते हैं। और ये मौलवी नहीं, ये पॉलिटिशियंस भी ऐसे होते हैं जो बनते हैं कि वो हम इतने वो हम इतने वो, आपको पता तो है ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इसे कहते हैं मुनाफिक। ओके नाउ आई रियली सल्यूट, मैं वाकई में सल्यूट करती हूँ क्या कहते हैं हरीम शाह को, क्योंकि इसने बहुत हिम्मत है लड़की के अंदर कि इसने ऐसी हरकत कर ली, यू नो। ओ मिल गया मिल गया मिल गया, वीडियो मिल गया। ओके ये देखो 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 देखो, वीडियो दिखाती हूँ अगर आपने नहीं देखा तो। यार देखो
रेडी वॉल्यूम के साथ। साथ साथ टिकटॉक भी बनाई, कभी कभी चमके लगाई, फिर भी मुझे कभी टिकटॉक गर्ल के थप्पड़ का इशारा बन गए। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह ने मारूफ आलमदीन और रुअत हिलाल कमेटी के साबिक रुकन मुफ्ती अब्दुल कवी को थप्पड़ जड़ने का इकरार कर लिया। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए थप्पड़ मारने की तस्दीक कर दी। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगु में कहा कि निजी होटल में एक शो की रिकॉर्डिंग के हवाले से गई थी, नाजेबा गुफ्तगु और गलत हरकतों पर थप्पड़ रखी किया। Oh my God, why is this happening? तनकीद की जद में रहने वाले मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारने की वीडियो तेजी से वायरल हो रही है। फोन जो है ना वो पागल हो रहा है इस वक्त। ओह देयर वी गो, वी आर बैक टू नॉर्मल। इट वाज गोइंग नट्स। यू शुड पोस्ट मोर स्टफ ऑन योर ओनली फैंस। आई सब्सक्राइब। I will be definitely. I'm shooting some stuff today. Actually, I'm gonna come live and I was gonna share my behind the scenes, some stuff that I have to do behind the scenes before I shoot. So baat karte hain dobara se mufti saab pe. The thing is ke ye log jo hai na ek dusre ko Pakistan mein batae ho kya raha hai abhi. Pakistani jo hai na wo bas apne aap ko yahi dikhane mein lagte hain kaun kitna zyada aur kitna acha musalman hai. Har koi ek dusre ko na ye dikhane ki koshish kar raha hai wahan par. अब हरीम शाह के बारे में बात कर रही थी कि आई गिव अ प्लॉट टू दिस वुमन कि वो इतनी ब्रेव है कि उसने ये हरकत की और उसने कहा कि ना ऐसी बातें कर रहे थे वो, मुझे यकीन है ये करते होंगे, मुझे यकीन है कि कंदील के साथ भी की होंगी इन्होंने ये हरकतें, और मुझे ये भी है कि इनका कोई ना कोई हाथ था। ठीक है ना, अगर आप नहीं समझते हो मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि कोई भाई इनका हाथ था उसकी मौत में। सो अब हरीम शाह पे ये है कि कंदील जो थी वो गरीब लड़की थी, वो गरीब घराने से आई थी, कोई जानता नहीं था, उसके ताल्लुकात इतने नहीं थे, शी डिडंट हैव दैट मेनी कॉन्टैक्ट्स। हरीम का ये है कि वो एक अच्छे घराने से आई है, आई मीन अच्छे घराने से आई है और खाते पीते घराने से है, वो किसी गरीब घराने से नहीं है। उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पॉलिटिशियंस के साथ बहुत कॉन्टैक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ वो पहुँचती है तो उसने ये हरकत अगर की है तो उसने कुछ सोच समझ के ही की होगी, आई एम प्रीटी श्योर। और अगर नहीं तो आई थिंक शी शुड you know get out of that country। अगर वाकई में उसको निकल जाना चाहिए, मगर ऑनेस्टली आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो ऐसे मुफ्ती को? आई मीन उसकी शक्ल देखो एंड और उसकी बातें सुनो, ये वाली बातें तो आपको मैंने सुनाई ही नहीं इनकी। कहाँ है यार वो वीडियो 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 किसने भेजा था मुझको? आई हैव दिस अदर वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। उसमें इन्होंने एडमिट किया है कि शराबें पीते हैं, इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, ये पार्टी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इन्होंने खुद एडमिट किया अपने मुँह से बैठ के। मुझे समझ में नहीं आता कि इतना पागल कैसे हो सकता है बंदा कि पूरी चीजें पता है कि ये लड़की रिकॉर्ड करती है, पता है कि ये फेमस है लोगों की रिकॉर्डिंग बना के पब्लिश करने में, मगर भैया फिर भी सारी चीजें उगल दी, फिर भी बता दिया कि मैं रेड वाली विस्की पीता हूँ तो ये वाला वो पीता हूँ तो यूं करता हूँ वो करता हूँ। ओ माई गॉड, सबसे ज्यादा सुकून इस वक्त कंदील बलोच को मिल रहा होगा और उसके बाद मेरे को मिल रहा होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को सुकून मिल रहा होगा चमाट के बाद। अच्छा अब मैं कह रही थी ना कि वहां पे पाकिस्तान में कंपटीशन चल रहा है कि नहीं, आप अच्छे मुसलमान नहीं हो, मैं सबसे अच्छा मुसलमान हूँ, मैं ज्यादा अच्छा हूँ, आप बुरे हो, आप ये गलत कर रहे हो, मैं सही कर रहा हूँ, तुम ये वाले हो, ये कॉम्पिटिशन चल रहा है इन लोगों के बीच में। भैया कौन अल्लाह को सबसे ज्यादा इंप्रेस कर रहा है, कौन जन्नत में है और कौन जो है जहन्नुम में? मुझे तो ऐसा लगता है सभी ठप्पे लगाकर आए हैं, इनको सर्टिफिकेट मिला है, मुझे भी दिखाना वो सर्टिफिकेट जो इनको जन्नत में लेके जाएगा। हरीम शाह भी जो है ना वो भी जो है अब उनको जब पब्लिसिटी करनी होती है तो वो नामहरम मर्दों के साथ आ जाती हैं और फिर वो दुपट्टा लेकर आ जाती हैं और फिर वो जो है ना बिल्कुल मुसलमान बन जाती हैं और वो इनको मुनाफिक। आप हरीम तुम कैसे मौलाना जी को मुनाफिक कह सकती हो? खुद तुम इतने टाइट कपड़े पहन पहन के पूरे अपना सामान दिखा दिखा कर तुम पब्लिसिटी करने के लिए, हमें भी पता है ना कि क्या होता है, आप लड़कों के साथ हैंग आउट कर रही हो, आई डोंट जज एनीवन, मगर फिर आप भी मुनाफिकत मत करो क्योंकि आप भी मुनाफिकत कर रही हो। कर तो आप भी अपने रिलीजन के जो है ना दायरे से बाहर जा रही हैं, आप भी हिजाब पहन के तो नहीं बैठी नहीं ना, आप सिर्फ कभी कभार आ जाती हैं कि भाई मैं, मुझे याद है कि मैं मुसलमान हूँ तो मैं जरा
दुपट्टा ले लूं सर पे, यू नो, इन लोगों को याद दिलाने के लिए कि मैंने जो हफ्ते में एक दफा दुपट्टा लिया था, ताकि वो बाद में जो मेरी 6 दिन जो मैं पेंट शर्ट और ड्रेसेस पहनती हूँ उसको भूल जाए। सो ये मुनाफिकत होती है, दोनों साइड से आपकी मुनाफिकत हो रही है। अब मेरी एक और थ्योरी है, एक और थ्योरी बनाने में तो ना मुझे तो अब टाइटल मिल गया थ्योरीज का। मैं समझती हूँ कि ये मौलवी साहब ने, अभी मुफ्ती साहब ने और हरीम शाह ने प्लान बनाया। दोनों को सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी चाहिए, राइट? दे वॉन्ट पब्लिसिटी। तुम लोग मुझको बोलते हो कि ये देखो ये आती है पब्लिसिटी, ना ना ना, इनसे सीखो पब्लिसिटी कैसे होती, वरना मेरे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स ही होते यहाँ पे। सो इन्होंने कहा कि हम प्लान बनाते हैं, मुफ्ती जी ये प्लान बनाते हैं और फिर बाद में देखना अब इनकी सुलह हो जाएगी इसी तरह से कुछ करने के लिए। आई डोंट नो, क्योंकि सुनने में आया कि उन्होंने कोई गलत बात की तो हरीम शाह ने जो है थप्पड़ मारा। सो आई डोंट नो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भैया दोनों तरफ से मुनाफिकत आपकी हो रही है, ठीक है ना, आप दोनों ही गलत हो, आप दोनों ही गलत हो। मुफ्ती जी आपको ठरक करनी है, हमें समझ में आता है, आप मत हो। आई मीन आपकी तो अब एज हो गई, अब आप क्या वायग्रा लेके खड़ा करते हो क्या? आई मीन लाइक कैसे होता है, यू नो, अब तो आपके सो जाने के दिन है। सो मगर नहीं भैया, ठरक नहीं जाती है, ठरक नहीं जा रही उस बंदे की। अगर आप ठरकी हो ना तो फिर ये ढोंग रचाते हो ना, ये बंद कर दो। ये जो आप बिल्कुल रिलीजियस बंदे होने का ढोंग नचा रहे हो ना, प्लीज ये बंद कर दो प्लीज। ये इतने ढोंगी रिलीजन के नाम पर लोग जितना पैसा कमाते हैं, उस दिन मैं इस पे बात कर रही थी कि रिलीजन के नाम पर जितना, कोई भी रिलीजन ले लो, आप हिंदुइज्म ले लो, क्रिश्चियनिटी ले लो, कोई भी ले लो, उसके नाम पर जितना लोग कमाते हैं ना, उतना आप मेरे ख्याल से किसी और उसमें नहीं कमा सकते हो, यू नो। जितने आप देख लो मेजॉरिटी जितने पास्टर्स मौलवीज आपको मिलेंगे जो सक्सेसफुल हैं, उनको सबको चंदा आता है एंड दे कलेक्ट सो मच। अभी वो एक और है जिसको मैं, मेरी फ्रेंड उसको फॉलो करती है तो उस पर मैं बात कर रही थी। वो क्रिश्चियन पास्टर है जिसके पास जेट है भैया, उनके पास प्रॉपर्टीज ही प्रॉपर्टीज हैं, ओके। और वो करता क्या है कि उसके पास इतना बड़ा चर्च, उसका चर्च भी बड़ा, यू नो, फर्स्ट क्लास चर्च उसने बनाया हुआ है। ही इज लोडेड, यानी उस बंदे के पास इतना पैसा है। तो मैं उससे, मेरा क्वेश्चन ये था कि भैया जीसस ने तो कहा था कि लोगों की मदद करो, जीसस तो खुद इतना सिंपल इंसान था, राइट, इतना सिंपल रहने वाला, तो आप जो उसके मैसेंजर काइंड ऑफ बने हुए हैं, वहां जाके लोग आके वहां पे प्रे वगैरह करते हैं, तो आप इतने लग्जोरियस ले रहे हो उसके नाम पे चंदा इकट्ठा कर करके, और जो दूसरे हैं भूखे मर रहे हैं क्रिश्चियन कंट्रीज में, उनको आप दे नहीं रहे हो कुछ, सीरियसली। तो मेरी दोस्त ने कहा कि नहीं, इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है 4 साल से, ये बहुत मुझको पॉजिटिव फीलिंग देता है, ये करता है, वो करता है, फिर उसकी बुक भी वो प्रमोट कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा वो रिलीजन को यूज कर रहा है, मगर अगर वो पॉजिटिविटी पे, यू नो, बात कर रहा है, जैसे कि क्या नाम है उसका, मैं उनको दोनों को मिक्स कर देती हूँ, टॉमी रॉबिन्सन को और टोनी रॉबिन्सन आई थिंक, हाँ, जो मोटिवेशनल स्पीकर है, तो उन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो आई सपोर्ट हिम, मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि वो रिलीजन का नाम लेकर ना ढोंगबाजी करके पैसे नहीं कमाता है, वो पॉजिटिविटी के थ्रू पैसे कमाता है। आप पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपकी, आप पॉजिटिविटी प्रमोट करो, आप अपनी बुक्स लिखो, आप जितना पैसा कमाओ, ऑल द पावर टू यू, मगर रिलीजन के नाम पर आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो और लोगों को लूट रहे हो ना, अपनी बुक सेलिंग कर रहे हो। भैया फ्री में दो ना लोगों को बुक्स, फ्री में, भाई खुदा का मैसेज तो फ्री में देना चाहिए, खुदा के मैसेज में आप कैसे पैसे ले रहे हो? इसी तरीके से जब मैं हिंदूज को देखती हूँ कि इतना इतना दूध और पता नहीं क्या 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 बहाते हैं, लाइक इतना इतना पैसा आप लाइक जाया कर रहे हो। इंडिया में कितने लोग, क्या आबादी वहाँ पर जो है, जो एरिया है स्लम्बर जो है, राइट, जहाँ पे झोपड़ियाँ वगैरह होती हैं, कितना बड़ा एरिया है वहाँ पे, कितने भूखे बच्चे हैं भाई, कितने बच्चे दूध से बिलक के मर जाते हैं, आप वो दूध खुदा को दे रहे हो। तो खुदा ऐसा कैसा खुदा जो कहता है कि बच्चा मेरा जिसको मैंने बनाया उसको तुम भूखा मार दो, मगर मेरे भी आगे यहाँ पे दूध लुटा दो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मेरे भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो है ना एक बिजनेस बन चुका है, और अगर आपको ये दिखता नहीं है, इसी वजह से मैं किसी को डोनेशन नहीं देती हूँ, मैं किसी को चैरिटी भी नहीं देती हूँ।
मुझे अगर किसी की हेल्प करनी होती है ना, मैं जाती हूँ किसी को ढूंढती हूँ जिसको वाकई में जरूरत है, मैं उसको पैसे दे देती हूँ, मेरी ज़कात जिसे आप कहते हैं ना या चैरिटी वहां हो जाती है। सो डोंट कॉमेंट अबाउट एनी रिलीजन, आपको नहीं पसंद तो आप चले जाओ। तो हमारा तो यही बात थी। अच्छा दूसरा मैंने किस चीज से बात करनी थी यार, मेरा एक और टॉपिक था, आई हैड समथिंग एल्स इन माइंड दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। हाँ तो एक और मुनाफिक बंदे पे हम आते हैं। यार मुनाफिक इतना कुट 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 के भरी है इन लोगों में, मैं कहां से तक, एक ढूंढो तो हजार मिलते हैं। और ये आए हैं जिया साहिल शेट्टी और माउथ एंड डोंट टेक द नेम ऑफ पाकिस्तान 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 भैंचोद, पाकिस्तान मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तू कर ले जो करना है उखाड़ लो, जाओ यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट के पास जाओ, ओके उनसे कहो इसका नाम निकालो, इसके पासपोर्ट से पाकिस्तान का नाम निकालो, जाओ जाओ तुम्हारे पास है ना वो, ये एक है वही उठाओ और जाके उनसे कहो निकाले। हाय फर्ब हाउ आर यू, हाउ अबाउट पीके मूवी, आमिर खान व्हाट अबाउट इट, व्हाट अबाउट इट, what is the meaning of a hypocrite, if you don't think about your words to others you will be guilty of someone, not by listening to your heart you will keep it up and whatever happened happened was done by the will of Allah so that there is something hidden in his choice so that others can learn a lesson. I don't even understand kya bol kya bolna kya cha rahe ho, please contact, kis se contact karna hai, live bataya karo tum roz nasha karke, भैया मेरी मर्जी, मैं नशा करके आऊं, मैं दारू पी के आऊं, मैंने वैसे एक सॉन्ग बनाया था मुफ्ती जी पे, सुनना है, सुनोगे सुनोगे, हाय हाय मुफ्ती, उफ उफ मुफ्ती, हाय हाय मुफ्ती, उफ उफ मुफ्ती, सुधर जा मुफ्ती, सुधर जा मुफ्ती, हाय हाय मुफ्ती, उफ उफ मुफ्ती, वरना बैंड बज जाएगी मुफ्ती। क्या कैसी लगी मेरी आपको सिंगिंग? हाँ मैंने ये नया ट्रैक आया है, नशा करके लाइव कभी भी नहीं, तुम्हारा ऑल इंडिया देख रहा है, तो देखते रहो, मैं क्या करूँ भैया, मैं क्या करूँ, मैंने कहा देखो आप नहीं देखो, देखिए मुझे क्यों बता रहे हो नशा करके, आप क्या आप मेरे ब्लड टेस्ट लिया है, आपने मेरा खून निकाल के चेक किया है मैंने ब्लड नशा किया है, और क्या नशा किया है, नशा क्या है, अभी आप जो वैक्सीन लगवाने जाओगे ना उनसे जरा पूछ लेना कि उसमें कितना नशा है, कितने परसेंटेज अल्कोहल है, तो आप उनसे पूछ लीजिएगा मुझसे बात करने से पहले। गैस्टी क्या होता है गाइस, ये गैस्टी क्या होता है मेरे को बताओ राणा ताहिर, तुम लिखते रहो, मैंने जो है ना मैंने सारी स्पेलिंग ही सारी खर कर देनी है, फिर क्या लिखोगे तुम मैं ऐसे ऐसे कर, मैं आज नोट बना रही हूँ सारे सारे वर्ड्स का जो मुझको और बैन करने हैं। रोज सस्ता नशा करके आती हो, हाँ उस्मान खान यू आर वेरी फनी, थैंक यू, आर्मपिट्स प्लीज। अच्छा मैंने किस चीज़ पे बात करनी है, मेरा फिर दिमाग से निकल जाता है कि मैंने किस चीज़ पे और बात करनी थी, आई हैड अनदर टॉपिक इन माई हेड जो मेरे बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है। ब्यूटिफुल, थैंक यू शैम्पी, थैंक यू शैम्पी, आपका बेटा कैसा है, ऑल रिलीजन्स आर टोल्ड इन पी के मूवीज, दिस हैज बिकम अ बिजनेस, दे हैव मेड रिलीजन अ बिजनेस, हाँ वो तो है फहीम जी, वो तो है, आई सी एवरी वीडियो ऑफ योर्स दैट यू कम ऑन लाइव आफ्टर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड। बिकी राज जी आपको क्या तकलीफ है, मैं इंटॉक्सिकेटेड होकर आऊं, मैं जो भी करके आऊं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आप क्या किसी खीरे पे बैठे हो भाई, क्या हो गया तुम्हारी, क्यों नीचे से इतनी फट रही है, नशा मैंने किया है तकलीफ तुमको हो रही है, और जो नशा तुम कह रहे हो ना यहाँ पे लीगली मिलता है, ओके मेरे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दिया है मुझको, मेरा दिमाग खराब हो जाता है वरना मेंटली अनस्टेबल हो जाती हूं मैं, तो मेरे डॉक्टर ने कहा है कि इसको जो है ना मैरुआना दो ताकि ये काम डाउन हो, तो मैं क्या करूं, अब आपको भेजू मैं अपने डॉक्टर के पास, भैया इसका इलाज कर दो पहले, इसकी गांड में बड़ी तकलीफ है, इसकी गांड के अंदर घुस के देखोगे वो तकलीफ क्यों हो रही है, प्लीज चेक करो इसको मेरे नशे से क्यों इतनी तकलीफ हो रही है, बस मैं क्या करूं भैया, आप अपनी तकलीफें अपने डॉक्टर्स के पास जाया करें, मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूं कि मुझे रोजाना आप लोगों को यहां पर जो है ना ये चीज बार बार बतानी पड़ती है, आपकी तकलीफ है आप दूर करो, मेरी तकलीफ है मैं दूर करती हूँ, राइट, बहुत प्यारी लग रही हो, थैंक यू
प्यारी तो मैं हूँ, जब तो इनको लगती हूँ। लोई, ये लोई क्या होता है? लोए लोए लोए, आजा आजा माही, लोए लोए लोए, आजा आजा माही। करो अब तुम लोग, करो करो, यहाँ पे मैं सारे वर्ड्स बैन करूंगी, फिर देखूंगी तुम लोग क्या क्या क्रिएटिविटी लाते हो, फिर मेरे को कैसे गाली देते हो। हाय, लानतें नहीं आ रही आज गाइस, मुझे लानतें नहीं दिख रही हैं आज। 1000 तक लोग गए थे, लानतें कहाँ गई सारी? गैस्टी, घास्टी, घास्टी क्या होता है राना जी? घास्टी क्या होता है? गैस्टी क्या होता है राना जी? ये देखो अपने ही वर्ड बना रहे हैं, बकोसा, शटअप, ये भी मैं बैन करूंगी। शटअप का यार मैं लिस्ट बना रही हूँ। हाँ बताओ बताओ क्या क्या लिस्ट बनाते हैं गाइस, ये करते हैं। छोड़ो सारे काम, मेरे को याद नहीं था, मगर मेरे साथ जैसे जैसे हो रहा है ना, मैंने ये सारे लिस्ट ऑफ वर्ड्स बनाते हैं जो कि हम पाकिस्तानियों के लिए बैन करेंगे, ताकि आके यहाँ पे गंद ना लिखें। ओके, सबसे पहले मैं, मेरे साथ स्पेल करो गाइस, एल ओ आर ए। इसका दूसरा एल वर्जन मैंने कर दिया था, वो मुझे पता था। ओके, दूसरा ये गैस टी, ये भी करेंगे हम, गैस टी। ये क्या है सफी? ना 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 ना, सैयद मुर्तजा जी, बहन बहन लन। ओके, ये भी करूंगी मैं। ओके ओके, और भी बताओ मेरे को, और वर्ड्स बताओ ताकि मैं सारे ही बैन करूं, उर्दू में ही बैन करूंगी। ओके ओके, थैंक यू। Even though you can lease Randy of Pakistan, lost even till lo, इसको तो उर्दू इंग्लिश ही नहीं आती। I'm from Islamabad. Hi, how are you? You love beautiful moments. Hey, thank you, Praveen. Thank you. Oh, khada, khada, K H A D A, khada. Oh, D A L L I, D A L I भी डालेंगे। बताओ बताओ और बताओ मेरे को। थैंक यू साजिद, थैंक यू अब्दुल्ला खान, वाह वाह मुफ्ती। पुट योर हेयर बैक, योर पुट बैक योर हेयर, नो, ओ पी एच ओ डी ई। बस मैं कभी बन जेलस, मैं मुझे हाई लेवल का बाजारू, बी ए जेड A R U, okay, सारे, हाँ सारे सारे मैं लिख रही हूँ। I'm going to ban all these words. फिर देखते तुम लोग, फिर तुम्हारी creativity होती है। You are not useless. किसने कहा मैं useless हूँ? Useless तो आप हो भैया। Your ass is big. अब ass छोड़ो, ass तो ठीक है ना। FFF. मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम लोगों को मचलते हुए देख के। गाइस लानते नहीं दिख रही मेरे को। हाय ज़हीर, हाउ आर यू? भोसड़ी, हाँ ये वाला भी। ओह थैंक यू जी। आप देखा आपने, हमारे हेटर्स भी कितने हेल्पफुल हैं। मैं हमेशा से अप्रिशिएट करती हूँ, आपको अपने हेटर्स को ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं आप में, वो ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि आज ये क्या करने आ रही है, वो ज्यादा आपको अटेंशन देते हैं, वो ज्यादा आपको शेयर करते हैं। साली, नहीं साली ठीक है, बहुत प्यारी हो, थैंक यू मलिक। ही ऑल्सो हैज अ ग्रेट पंच। हु? मारी इंस्टा पे आओ लाइव प्लीज। इंस्टा पे क्या करना है यार, वो मुझे शेयर नहीं करने देते मेरा वीडियो, फालतू में इतना टाइम में जाया करती हूँ, उसको ना डाउनलोड कर सकती हूँ, इट जस्ट गोज अवे। मैंने YouTube पे आना था, मगर आई एम गोइंग टू पुट दिस वीडियो ऑन YouTube। यार मुझे एक और चीज़ से बात करनी थी, बट आई टोटली फॉरगॉट, मैंने लिखना है सारी ये चीज़ें। तुम लोग मेरा जो है ना आज, इट जस्ट गोज यू नो मेस्ड अप। बहुत अच्छा कर रही हो। लेट्स गो, लेट्स गो वेयर? आपने सबकी बैंड बजा के रखी हुई है, गुर इन सबकी सोच गंद है। थैंक यू अब्दुल्ला जी, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दैट, एवर लवली। थैंक यू मिया, थैंक यू। देखो ना आप कितने, ओ एक और वर्ड आया, सी एच ओ पी ए। अब इसमें हम इसको दूसरा वर्ड भी बैन करेंगे, सी एच ओ पी पी ए। ओके
चीटू, चीटू क्या होता है भाई? छूट वो दूसरा वर्ड होता है यार तुम, मगर थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। CHUTTU। वैसे नशे में आप और भी सच बोलती हो, जिंदाबाद। मैं झूठ कब बोलती हूँ मुझे ये बताओ, मैं झूठ कब बोलती हूँ? ओह अहमद अली हाँ, हराम दी हाँ। देखो देखो ये सब लोग अपनी औकात बता रहे देखो देखो सब अपनी औकात बता रहे कि अपनी फैमिली में क्या सीखते हैं। देखो देखो प्लीज मुफ्ती सॉन्ग अगेन। मैंने मुफ्ती जी पे एक और सॉन्ग बनाया था, मुझे सोचने दो सोचने दो, एक सेकेंड। कौन सा था यार, मेरे दिमाग में थे अच्छे अच्छे कॉमेडी, वो आते ना मुझे लिखना चाहिए। आई स्वेयर टू गॉड आई शुड राइट इट। दिमाग में जब आता है ना उस वक्त नहीं लिखती हूँ मैं। आया था एक और, ये लोग जो गालियां दे रहे हैं वो अपने घर वाले आ ना। नहीं जीशान जी, मुझे ये बता रहे हैं, वो वर्ड्स बता रहे हैं जो मैं ब्लॉक करूंगी इस चैट के लिए, ताकि अगली दफा इन लोगों को कुछ और वर्ड लेकर आने पड़े। थैंक यू रशीदा दाद। यार कौन सा था वो गाना? छूटू, छूटू क्या होता है ये? यू आर सच ब्रेव, थैंक यू सिद्रा। नॉट एवरी वन ऑल आई कैन स्पीक लाइक दिस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दे कैन, दे जस्ट चूज नॉट टू। माई दिस नाइस ड्रेसिंग ओके, दे जस्ट चूज नॉट टू। हर कोई नहीं करता है, यू नो। आई डोंट, आई थिंक पीपल शुड हैव कॉमन सेंस, कॉमन सेंस पे बात करनी चाहिए, राइट? यार मैं वो गाना, मुझे ना सारा दिन तंग करेगा कि वो कौन सा गाना था जो मैंने मुफ्ती जी पे बनाया था। कोई बात नहीं, मैं सोच के रखूंगी मुफ्ती जी पे। ओके कैन स्टॉप वॉचिंग, दैट्स गुड। प्लीज टॉक अबाउट शेख रशीद उर्फ ओ वेट 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 वेट, आई रिमेम्बर। ओ आ गई मेरे को याद, मुनाफिकत पे याद आया। देखो ये साइड इफेक्ट होते हैं ना मैरुआना के, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है, लॉन्ग टर्म बड़ी अच्छी है मेरी। मगर हाँ, तो हमने बात करनी थी वो लुंडे वाले की। आपको पता है ना वो एक लुंडे वाला। सो आई डोंट नो भाई, मगर मैं नहीं कह सकती आई डोंट नो, आई एक्चुअली डू नो कि पाकिस्तानी को क्या पसंद आता है, किस तरह के लोगों को ना वो सर पे चढ़ा देते हैं। मगर जब आप का मेंटल लेवल वैसे ही होता है ना, तो आप रिलेट करते हो उसी से। अगर आप खुद हिपोक्रेट हो गए ना, तो आपका मेंटल लेवल किसी और हिपोक्रेट के साथ ही मिलेगा और आपको वो अच्छा लगेगा। जो लोग सच्चाई और मुझे वो लोग पसंद करते हैं जो सच जानते हैं, वो ये नहीं हिपोक्रेसी नहीं पसंद करते। यही बात लोगों को मेरे बारे में पसंद है कि मैं जो हूं वो हूं, मुझे किसी की बाप की परवाह नहीं है। जो मैं हूं, मुझे क्यों डर है किसी का? वाई शुड आई बी स्केयर्ड ऑफ एनी वन? मैं किसी का ना पैसा लेके भागी हूँ, ना किसी की भैंस चुराई है, ना किसी की, यू नो। सो तो मगर मुझे ये हमेशा ये होता है कि ये लोग इतनी मुनाफिकत करके अपनी शक्ल फिर कैसे दिखा देते हैं। आई मीन मुझे बेगैरत कहते हो? बेगैरत तो ये लोग हैं कि इतना कुछ करके भी अपनी शक्ल आके दिखा देते हैं बेगैरतों की तरह। देखो यू नो कि हु आर यू टू टॉक। अब ये एक बंदा है, इसकी तो शक्ल ही ना, आई स्वर टू गॉड, अब मैं क्या बोलूं, इसकी शक्ल वो चुसावा एल नहीं होता, बिल्कुल उसी की तरह है। लाइक दिस गाय इज द मोस्ट डिस्कस्टिंग पर्सन इन द वर्ल्ड, और इसको लोग पसंद करते हैं के डबल गेम खेलता है। ये डबल गेम खेलता है, लोगों को चूतिया बनाता है एक नंबर का, और लोग जो है चूतिया बनते हैं इसके साथ। तो इनका नाम है क्या है यार इसका, कहाँ गया इसका यूट्यूब चैनल? हाँ एल एन पी द ईगल, एल एन पी द ईगल। सो ये बंदा कोई रैपर है, ओके सिंगर है। ये बीगो पे होता था, मैं बीगो पे जब थी ना, तो ये वहां बीगो पे होता था। इसकी शक्ल आपने देखी है ना, तो एक टट्टी जैसी शक्ल है इसकी, सीरियसली। यू नो और बनता ऐसे है कि पता नहीं कहाँ का राजा है, अपने आप को राजा ही बोलता है, राजा यू नो। ये बंदा इसके यूट्यूब पर जब भी किसी लड़की की कोई वीडियो लीक हो जाए, पिक्चर लीक हो जाए, तो ये भैनचोद बैठ के वहां पे शाम का दरस देगा उस औरत पे कि तुम ये हो, तुम लोग यूं कर रहे हो, तुम लोग यूं कर रहे हो, लो, 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 लो।
और सबसे बाद में बोलता है जिससे उसको वीडियो चाहिए मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मैं इंस्टाग्राम पे तुमको देखता हूँ। हाँ तुम वहां दल्लागिरी कर रहे हो, लड़कियों की तस्वीरें, किसी की तस्वीरें तू फैला रहा है इस तरीके से, उनसे तुम व्यूअर्स खींच रहे हो, ठरकी मर्द खींच रहे हो, हाँ, और बैठ के वहां पे खुदा का दर्श दे रहे हो। वाह क्या बात है, यानी मुनाफिक क्यों, और अपनी टट्टे ऐसी शक्ल लेकर फिर आ जाता है प्राउडली, फिर आ जाता है चुसा हुआ बिल्कुल जिसे कहते हैं सीरियसली, और लोग इसको पसंद करते हैं। ठीक है, एक तरफ लड़कियों को बोलेगा ओ ये कैसे करती हो तुम लोग, यूं कर रहे हो ब्ला ब्ला ब्ला, फिर अपने वीडियो में इस तरीके से आ जाता है लड़कियों को लेकर छोटे छोटे कपड़ों में और उनके हाथ धोल के दिखाने के लिए। आई मीन कम ऑन, इसकी और मेरी एक दफा लड़ाई हुई थी क्योंकि मैं खाना खा रही थी और रमजान थे, ये बैठा वहां पे स्पेन में, मैं कैनेडा में बैठी हूँ। भैया तेरा टाइम डिफरेंस है, मेरी मर्जी, हर कोई मुसलमान थोड़ी इसे खाना खाना है, you know? Yes. Okay, take it off. But I don't know how to turn it on. It's hurting my neck, my head, and my ears. No, Maharaja, nothing. Just kuch nahi, drama. You just have to press that button, Dania. Not much. Oh, okay. So, anyways, back to LNP. So this is what this guy does. इतनी मुनाफिकत, इतनी मुनाफिकत, और अभी भी किसी लड़की की वीडियो आई, right? तो उस पे बातें करता है कि मैंने वो वीडियो देखी, मैंने वेरीफाई की लगाने से पहले। तुम किसी लड़की की नेकेड वीडियो क्यों लगा रहे हो भैया? तुमको तो छुपाना चाहिए ना किसी का ऐप, यही आपका रिलीजन तो यही सिखाता है ना, किसी का ऐप छुपाओ, यही नहीं कि उसको दिखाकर अपने लिए व्यूअरशिप, अपने मेंबर्स बढ़ाओ, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, पैसे बनाओ। इसको कहते हैं दल्लागिरी जी। तो एलएनपी जो है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे बैठ के दल्लागिरी कर रहा है और साथ में जो है वो इस्लाम का दरस भी देता है जी आपको, स्पेशली लड़कियों को जिनकी तस्वीरें आ जाती हैं कि ये देखो ये मैं क्या बोलूँ, उसकी लैंग्वेज खुद सुन लो किस किस तरह की लैंग्वेज यूज करता है, राइट? ऐसे जो है ना, और खुद बैठा कहाँ पर है, स्पेन में बैठे हैं, हराम के मुल्क में बैठ गया, हराम का पैसा कमा रहे हो, वाह। और फिर बातें करनी है हलाल हलाल, आपके वीडियोज ही हराम है, आपके वीडियोज देखना हराम है, उसमें लकीरें दिख रही हैं लड़कियों की, आई एम सॉरी टांगे दिख रही हैं भैया, पेट दिख रहा है, बहुत कुछ दिख रहा है आपके वीडियोज में, हराम हराम हराम, इट इज टू हराम। दैट इज द लेवल ऑफ मुनाफिकत। ये मुनाफिक आपके लीडर्स हैं, ये आपके लीडर्स जितने भी दिखा, देख लो वकार जगह उठा लो, आमिर लियाकत उठा लो, इनको उठा लो, रहीम परदेसी को नहीं कहूंगी वो हिपोक्रेट है, उसकी दो बीवियां हैं, उसने सबके सामने बताया दो बीवियां हैं, ही इज नॉट अ हिपोक्रेट। तो आई सपोर्ट हिम, यू टर्न इट बैक ऑन डिडंट यू? नो आई डोंट नो हाउ, आई टर्न इट ऑफ देन। या हां नाउ इट्स कनेक्टेड। आपने तुम्हारी माँ से कम, तुम्हारी माँ से कम, तुम लोग सब फजूल हो जो बैक बैक सुनते हो, जो बक बक सुनते हो, तुम आप मत सुने बक बक, आपसे किसने कहा बक बक सुनने के लिए? आपका यूट्यूब चैनल किस नाम से? मेरा यूट्यूब का चैनल है माली सरकारी के नाम से ही, आप वहाँ पे देखते हैं। माली योर लाइन इज वेरी डीप, ऑफकोर्स इट इज। आशिक लश्कारी कह रहे हैं कि वो अपने आप को इस वक्त फिंगरिंग कर रहे हैं। भैया जो अपने आप के साथ कर रहे हो वो हमको नहीं बताया करो। ओके सो वन मोर थिंग आई वांटेड टू से कि आई एम, यू आर एंग्री दैट वन स्पैरो फॉल्स ऑन यू, कैरी यूनाइटेड फैन क्लब, लव फ्रॉम इंडिया, नंबर वन यूट्यूब ऑफ वर्ल्ड, मैम प्लीज रिप्लाई। यस कैरी मिनाटी को भी बनाना चाहिए। मुनाफिक लोग हर फील्ड में हैं। व्हाई टारगेट रिलीजियस मुनाफिक मोस्ट ऑफ द टाइम? क्योंकि रिलीजियस मुनाफिकों को इस वजह से ना, क्योंकि वो सबको ज़्यादा तनकीद करते हैं। दूसरे जो हिपोक्रेट है ना, अगर कोई हिपोक्रेट वही होता है जो दूसरे को तनकीद कर रहा होता है उसी चीज़ की और खुद वो कर रहा होता है। आपको हिपोक्रेसी की मतलब पता है कि हिपोक्रेट होता क्या है, मुनाफिक होता क्या है? वो बंदा जो खुद वही काम कर रहा हो मगर दूसरे को टोके उसी काम पे, उसे कहते हैं मुनाफिक। आपको हाँ दूसरी जगह भी होते हैं, कहाँ होते हैं मुझे बताइए,
मगर जो रिलीजियस उसको लेके बैठे होते हैं ना, वो मुनाफिकत होती है, सबसे बड़ी मुनाफिकत होती है। क्योंकि आप ऑल ऑलमाइटी सबको बताते हैं कि भैया हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमें फॉलो करो, हमारे जैसे बनो, राइट? दैट्स व्हाट इट इज। अगर आपको नहीं पता इसकी मायने, तो आप इसके मायने हिपोक्रेसी के जाने जाके देखिए। जिने खान थैंक यू, नाइस हेयर स्टाइल थैंक यू, ताहिर थैंक यू। सो आई वाज सेइंग कि आई एम गिविंग अवे, आई विल बी मेलिंग आउट सम पिक्चर्स, सम पोस्टकार्ड्स, जो मुझे अभी दिख नहीं रहे हैं, कैमरे के से ऊपर है। सो आई हैव पिक्चर्स, मेरे पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं जो मैं पढ़ी हुई है यार, बहुत थोड़ी पुरानी है, मगर सम ऑफ देम आर रियली गुड। सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं उनको साइन करके, ऑटोग्राफ करके अपने फैंस में भेजना चाहती हूँ, राइट? तो मेरी एक तो इस तरीके से है, ओके? सो पोस्ट कार्ड्स भी हैं एंड आई हैव बिग पिक्चर्स, यू नो आई डोंट नीड देम एनीमोर, मेरे पास कोई इतना वो नहीं, मगर आई हैव सो मेनी ऑफ देम। मैं फ्री में, कोई पैसे नहीं आपसे चार्ज होंगे, फ्री में मेरे जो फैंस हैं जिनको ये तस्वीरें चाहिए, तो मैं साइन करके पर्सनली इस पे करके आपको भेज दूंगी। आपको सिर्फ मुझे अपना एड्रेस देना होगा जहाँ पे ये आपको पोस्ट कार्ड मिलेगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, जोया तो ओनली फैंस पे जो करती हो वो आपकी रिलीजन सिखाता है। जोया कौन सी रिलीजन? आई डोंट फॉलो अ रिलीजन। मेरी रिलीजन है इंसानियत, और मेरी रिलीजन है कॉमन सेंस, मेरी रिलीजन है क्या कहते हैं, यू नो, ह्यूमन राइट्स, ये मेरी रिलीजन है। मैं स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करती हूँ। और दूसरी बात ये कि आप मेरे ओनली फैंस पे हो, आपने ज्वाइन किया है, आपने देखा है, नहीं ना? अगर नहीं देखा है ना, तो पहले प्लीज जाके देखो, और फिर आके आके ना कॉमेंट करना। आप सुनी सुनाई पे मत भरोसा किया करो, आप देखो। बात ये है ना, आप सुनी सुनाई पे ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने सुनी 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 सुनी, कभी वो गेम खेला है? एक गेम खेलना, मैं आपको एक गेम खेलने के लिए बताती हूँ, ठीक है? 10 लोग, 10 बंदे पकड़े आपके फ्रेंड्स हैं, एक सर्कल बनाइए, 10 लोगों का एक सर्कल बनाओ, और एक बंदे से स्टार्ट करो, और एक बंदा उसके कान में बोलता है, राइट? कोई एक सेंटेंस बोल दो या एक वर्ड बोल दो। अब वो बंदा दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, और फिर जब वो चीज वापस आएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि वो बात ही क्या थी। ये करके देखना आप, ठीक है ना? तो आप लोग तो 1400 साल पहले, पता नहीं कितने सदियों पहले चीजें हैं, वो बातों पे अभी तक आप लोग बिलीव कर रहे हो। सो आई डोंट नो, आई बिलीव इन सर्टेन थिंग्स, जैसे कि हर किसी को अच्छा इंसान बन के रहना चाहिए, किसी को तकलीफ मत दो, किसी से झूठ ना बोलो, मुनाफिकत मत करो, ठीक है ना? अपने नेबर के साथ अच्छे सलूक करो, अपने माँ बाप के साथ इज्जत करो, माँ बाप को जो है ना उनके साथ अच्छे रहो। मेन अच्छा इंसान बनने के लिए कि आप किसी और दूसरे इंसान को अपनी जात की वजह से तकलीफ ना दो। दैट इज द बेसिक पॉइंट ऑफ ह्यूमैनिटी, और रिलीजन का भी यही बेसिक पॉइंट होना चाहिए। किसी के कपड़े, किसी की रिलेशनशिप, कि कोई किसके साथ सो रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई क्या नशे कर रहा है, उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जात को कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही है। समझ में आई ना? अगर कोई नशे बेच रहा है, ओके, तो यस, वो किसी को तकलीफ पहुंचा रहा है। समझ में आई ना? आपको डिफरेंशिएट करना सीखें। मेरे चैनल पे आए, मैं आपको बहुत कुछ इस तरीके की ना कॉमन नॉलेज, दिमाग खोलने की चीजें, सोचने की चीजें आपको सिखाऊंगी। आपका दिमाग थोड़ा खोलना है और कुछ नहीं है। आप अभी, आपकी गलती नहीं है, दिस इज नॉट योर फॉल्ट, इनकी गलती नहीं है, क्योंकि इनको एक बबल में रखा है, राइट? आप एक बबल में रह रहे हो, अब रह रहे हो, आप सदियों से ऐसे ही रह रहे हो। इंटरनेट से पहले तो हमको इतना नहीं पता था ना कि वेस्ट में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। थोड़ा बहुत पता होता, मूवीज देख लेते थे, वी डिडंट नो मच, यू नो। मैंने लाइक अपनी जिंदगी में आने से पहले 1-2 गोरे देखे थे, कभी मैंने चाइनीज बंदा नहीं देखा था। मैं भी आई थी तो आई वाज लाइक चाइनीज बंदा आए, मैं भी ऐसी थी, हाँ मैं भी ऐसी थी, क्योंकि एक बबल में रखा जाता है, ठीक है? अब इंटरनेट आ गया तो थोड़ा सा दिमाग खुल गया, मगर फिर भी आप रहते तो अपने मोहल्ले में ही हो ना, इर्द गिर्द आपके कौन रहता है? जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं वैसा ही माहौल है आपका, तो आप उस माहौल से निकले नहीं हो, आप कभी उससे बाहर निकले नहीं हो, आपकी सोच को कभी चैलेंज नहीं किया गया है।
आपको पता है कि जितनी एक्सरसाइज बॉडी को चाहिए होती है उतनी आपकी ब्रेन को चाहिए होती है। इस वजह से लोग कभी कभार मैथ पजल्स कर रहे होते हैं, यानी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करते हैं, क्योंकि उससे आपका दिमाग जो है वो फ्रेश रहता है एंड इट वर्क्स बेटर। दिमाग को एक्सरसाइज मिलती है, दीज आर मेंटल एक्सरसाइजेस जिसे कहते हैं, राइट, दिमाग खोलने की बात। सो योर ब्रेन इज एवरीथिंग, आपकी सोच सब कुछ है। एंड इफ यू कैन चेंज योर सो थिंकिंग, अगर आप बदल सकते हो अपनी सोच को, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। हर चीज को हर तरीके से एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो। मुझे पता है कि ये लोग क्यों इस तरह लिखते हैं, मैं जानती हूं ना, आई नो कि ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग बचपन से सदियों से वैसे ही मैन्युफैक्चर्ड होता आ रहा है। एक चीज दूसरी जनरेशन को सिखाई गई है, वही चीज आगे पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, एक्चुअली एक्सट्रीम हो गई है और ज्यादा, राइट। सो दैट इज व्हाट इज इन देयर हेड। अब जब तक कोई आकर इनको दूसरी तरफ का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देता है, राइट, तब तक इनको सोचने का मौका नहीं मिलता है। आपका ब्रेन उस पर सोच नहीं रहा है। जब तक मैं आपको कोई इस चीज पे तनकीद नहीं करती हूँ, तब तक आप उसके बारे में सोच नहीं रहे होते, क्योंकि हर कोई आपके साथ अग्री कर रहा होगा, राइट, एवरीवन इज अग्रीइंग विद यू। मैं अग्री नहीं करती आपके साथ, तो आपका दिमाग थोड़ा सोचेगा उससे। आप चाहे सोचो या ना सोचो, फिर भी अनकॉन्शियसली आपके दिमाग में ना ये चीजें आएंगी और बातें आएंगी। सो डोंट टॉक अबाउट योर ब्रेन, सॉरी प्लीज फॉरगिव हाउ मच आई डू। क्या मतलब? दिमाग खराब कर रही हो, चलो अच्छा है, कुछ तो किया ना तुम्हारे दिमाग के साथ, तुम्हारे दिमाग ने आज कुछ तो किया है ना, कुछ तो काम किया एटलीस्ट। अब कहो मालिश, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट, क्योंकि ये भी ना एक बड़ा काम होता है। ओके गाइस, अब मुझसे बात भी नहीं हो रही है, आई हैव टू गो। आप सबको, आप सब जो इसको दीन सिखाने चले हो, आप सब यहाँ बैठ के देख क्यों रहे हो? मीना जी, बस मुनाफिकत जिसे कहते हैं। कोई बात नहीं, मैं चाहती हूँ ये लोग देखें इनका दिमाग शायद खुल जाए। मेरी होपफुल, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिविटी में बिलीव करती हूँ कि आई थिंक एंड आई नो कि एटलीस्ट दो तीन लोग होंगे उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा जरूर, आज वो ये सोचेंगे जरूर, और अगर आप सोचेंगे तो फिर उस पर बात करो। मैं चाहती हूँ कि आप लोग गाली देने से ज्यादा ना, या मुझे धमकियां देने से ज्यादा, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे आकर बात करें। आप मुझे बताएं कि आप किस तरफ से आ रहे हैं, राइट, अपनी थिंकिंग वहां पे मुझको बताओ कि आप क्यों सोच रहे हो इस तरीके से, और आप अपना आर्ग्यूमेंट रखो, बात करो ना, एक टॉलरेंस पैदा करो, सबर सबर। आपकी रिलीजन में क्या कहा है? सबर करो, सबर करो, अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है, सबर करो, ये इम्तिहान है आपका। मैं यहाँ बैठ के जो आपको बता रही हूँ और आपको गुस्सा आ रहा है, मगर आपको सबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अल्लाह का इम्तिहान है, जीसस का इम्तिहान है। बैक टू कुक, यू आर लुकिंग एट द वाइट, व्हाट डू यू मीन, विल यू टेक समथिंग, लाइक व्हाट हैव यू एवर मेड योर फेस, why your voice is vibrating? Oh, I don't know. Maybe you are sitting on a vibrator. I don't understand, Vicky ji. Okay, guys, I have to go. Mother, give me your number. Main India se hoon. Acha, ab India se. Dogmatic beliefs hain. India mein bhi hain, yahan par bhi hain. It's you know, जो ये religious beliefs, जो बहुत ही conservative beliefs होते हैं ना, जो especially सारे औरतों पे आते हैं ज़्यादातर, right? औरत 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 नहीं हुई, पता नहीं क्या हो गई है, इंसान तो समझा नहीं हमको। So new name for Mahalij is opener. Opener क्या मतलब? Brain opener. Brain opener. You beautiful, frankly speaking. Thank you, Praveen. Which belongs to your mother and sister? I'm not, आप किससे बोल रही हो? I don't know, translate होकर आई। You are so great motivator. Oh, thank you. अगर मैं आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी दे सकती हूँ, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए और अपने गोल्स रखने चाहिए, राइट? आपके जब तक गोल्स नहीं होंगे, सॉरी, आप क्या करोगे? अब फॉर एग्जाम्पल, मेरे गोल्स से जो मैंने रीच किए, मुझे अपनी फॉलोइंग इतनी बढ़ानी थी, इतना करना था, नंबर्स का गेम था, राइट, दैट आई डिड। उसके साथ साथ फिजिकली मुझे अपना ये ऑफिस बनाना था, राइट,
इट स्टार्टेड, कब से स्टार्ट हुआ है, ऑगस्ट नहीं ऑगस्ट नहीं सितंबर से पहले ये पूरा कमरा रेनोवेट हुआ। ओके okay? और मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आपको कि मैंने किया क्या है और क्या है गोल था एक मेरा कि मुझे एक स्टूडियो बनाना है, अपने लिए बनाना है, एक जगह बनानी है जहां पर मैं अपना मेकअप भी कर सकूं, मैं लाइव जगह हो मेरे लिए, मेरा अपना है ना वुमेन केव हो। सो पहले मैंने ये रूम जो है यहाँ पे ये सीलिंग्स नहीं होती थी, मैंने सीलिंग्स वगैरह पॉटलाइट्स वगैरह पहले से थी बट आई गॉट दैट। फिर मेरे को फर्नीचर चाहिए था, मैंने कहा फर्नीचर ऑलराइट, और यू नो मैं कोई इतनी अमीर तो हूँ नहीं, लगती हूँ मगर हूँ नहीं। सो मैंने ये खरीदा, आई नो माई डेस्क इज ऑल मेस्ड अप, सो ये पूरा सेट। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट शॉपिंग कैसे करनी चाहिए, ऑलराइट पैसे कैसे बचाने चाहिए, मैं आपको बता रही हूँ। ओके किस तरह से पैसे बचाओ, मार्केट प्लेस पे जाओ, वहां पे सेकेंड हैंड चीज ले लो, कोई उससे आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, इफ यू कैन अफोर्ड इट। फालतू में ब्रांड न्यू चीजें पे ना, आई डोंट बिलीव, आई बिलीव इन रिसाइकलिंग रीयूजिंग, एनवायरमेंट बचाइए। ये टेबल ओके, दिस होल एल शेप टेबल, ये दिस एंड दिस, सो आई गॉट दिस, और एक और बड़ा शेल्फ है, आई गॉट इट फॉर $150, सिर्फ $150। All I had to do, मुझे क्या हुआ फिर, मुझे भी कीड़ा था, मैंने कहा नहीं कीड़ा है इसको पेंट कर लो, क्योंकि कलर मेरे को नहीं पता था, अभी पसंद आ रहा था। दिस वॉज द कलर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन कलर था, मैंने इसको ब्राउन कर दिया यहाँ पर, आई पेंटेड दिस, मगर क्या था गोल्स, मैंने एक गोल सेट किया था कि आई एम गोइंग टू डू दिस माई सेल्फ, चाहे जितना भी टाइम लगे, अभी तक चल रही है कंस्ट्रक्शन। ओके So I have set that up. Then of course I bought myself a new monitor, computer system, ताकि अभी भी काम चल रहा है। So eventually होगा ये कि मेरा जब webcam आ जाएगा तो फिर मैं यहाँ से लाया वाया करूँगी with a better background. ये area है मेरा जहाँ पे पता नहीं, मैं शायद green screen ही डाल दूँ यहाँ पर, फिर मैं different you know चीजें use कर सकती हूँ। Alright, और कैसे मैंने पैसे बचाए? Okay, then ये देख रहे हैं आप, ये दिख रहा है आपको ये प्लास्टिक, सो दिस इज अ प्लास्टिक दैट यू हैव फॉर द चेयर, ये चेयर होती है ना इसके लिए, क्योंकि इस पे चेयर जो है ना आराम से स्लाइड करती है, इट्स वेरी स्मूथ राइट। ये भी मेरे को फेसबुक पे से मिली, अरे कितने की, कितने की, फ्री में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे लोग फेसबुक पे बहुत सारी चीजें फ्री में भी दे रहे होते हैं। ओके All you have to do, pick it up, sanitize करो, clean करो, और वो brand new है बिल्कुल, was brand new. Now उसमें कोई like it has scratches, कुछ नहीं है, and I got it for free. Same thing with this chair. ये chair भी कोई दे रहा था, तो I picked this up for free. और ये मेरा office में फिलहाल के लिए ये है, ताकि मैं दूसरी chair लूँगी, because I need another chair here. Okay, so ये तो ये area हो गया. फिर I set up my little area here for my makeup. Abhi I'm working on this too yaar, kaam chal raha hai abhi, so I need some big mirror, abhi main chhota sa mirror yahan pe use kar rahi hu, this one, and then I have my makeup and everything set here right. So again goals, set goals, aap apne goals jab tak life mein set nahi karoge kya aapne karna hai kya nahi karna hai tab tak hoga kuch nahi, you know. और जब आप अकॉम्प्लिश कर लेते हो उसको, देन यू फील सो गुड। आई मीन मुझे पता है पूरा डन नहीं हुआ है, मगर आज मैं जब उठी हूँ, उठ के मैं कॉफ़ी ली है, जेनिया को सेटअप करके मैं नीचे आई हूँ, आई वॉज सो हैप्पी, इतनी खुशी होती, ओह यू जस्ट कम हियर, यू हैव योर ऑफिस हियर एंड यू स्टार्ट वर्किंग हियर। दूसरी चीज, एक और मेरा गोल था जो दो सालों से मैं पीछे पड़ी हुई थी, और मैं आई एम सो प्राउड कि आई डिडंट गिव अप, आई डिड नॉट गिव अप, और वो था मुझे एग्जाम्स लिखने थे राइट। रिमेंबर मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जब मैं यू नो उसके, तो आई रोट माई लास्ट एग्जाम यस्टरडे, हाँ आई फील सो मच बेटर, मगर आई डिडंट गिव अप, यानी पेंडेमिक हो गया, इतनी चीज़ें बीच में बहुत रुकावटें आई, मगर मैंने कहा नहीं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, और मुझे ऑलमोस्ट मैं मार्च में हो जाता मगर ये पेंडेमिक आ गया, तो बट इट गॉट डन, अब मैं सिर्फ रिजल्ट्स का इंतजार कर रही हूँ। तो ये सारे खुदा वाले ना प्लीज़ मेरी दुआ मांगना मेरे लिए कि मैं पास हो जाऊँ। रेंज रोवर पड़ोसी की शॉप बनाई है, प्रे करना, क्या मतलब किसने पड़ोसी, आई गिव यू 1 लाख फॉर व्हाट,
आप भेजें 1 लाख भेजिए आप, देखते हैं. ओके गाइस मैं चलती हूँ, अब मैं जा रही हूँ. आई माइट गो ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट नो, आई माइट गो ऑन बीगो. मैं बीगो पे नहीं गया फिर से. आई एम गोना गो एंड कुक. अब मुझे आज जो है ना, आई एम मेकिंग बिरयानी, तो मुझे ज़रा टाइम लगेगा. सो आई गॉट गो एंड कुक एंड देन आई विल सी यू गाइस वेरी सून. आई लव यू ऑल एंड मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस पेज. बाय बाय.